नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, यानी कि कम से कम 10 साल के लिए अरविंद केजरीवाल अब जेल के अंदर बुक हो गए। अब वो शायद शीश महल वापस लौट कर ना आए। देखिए, बड़ी बात है, सीबीआई ने जो मामला चला है, सीबीआई ने वो मामला चला है जो सीबीआई का काफी समय से ये पेंडिंग था। कांग्रेस की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी 2022 में, और इस पर तभी से चल रहा था। बीच में जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया तो ईडी ने अपनी जांच शुरू की और वो ईडी के पास चला गया, लेकिन ईडी का दायरा बड़ा सीमित है जांच करने का, और ईडी के मामले में सजा का प्रावधान भी बड़ा कम है। परंतु ये जो सीबीआई का जो मामला था, ये तब से पेंडिंग चल रहा था। इस पेंडिंग मामले में ये क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, और भ्रष्टाचार के मामले में अब जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एंगल आ गए हैं, कुछ जांच कुछ ऐसे तथ्य सीबीआई के पास अभी और जरूर आए होंगे जो कि वो हमारे सामने खुलासा नहीं कर सकते। देखिए, केस के अंदर होता क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। उनके कुछ तथ्य जो रिपोर्टर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, या कहीं से आईओ से मिलके या किसी से मिलके छोटी छोटी चीज़ें बाहर आती हैं, लेकिन पूरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो अदालत के अंदर रखी जाती है। तो जब ये सारी चीज़, इसमें एक चीज़ ये भी सुनिए कि आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल है क्या, देखिए, जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्यूज्ड की फाइल लेकर जब अदालत जाती है, तो वहां पर जो जज साहब बैठे होते हैं, वो जज साहब उस पर पूरा पढ़ते हैं, उसमें गौर करते हैं, सारी चीजें करने के बाद अगली कार्रवाई करते हैं। अगली कार्रवाई जब अरविंद केजरीवाल को कल रात तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ की गई, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिए आज, उन बयानों को लेकर और जो उनके पास पहले से सबूत केजरीवाल के खिलाफ है, उनको लेकर आज अदालत के अंदर सीबीआई की टीम गई। सीबीआई को रात में तिहाड़ जेल में नहीं दिया गया, सीबीआई ने अपना वारंट दिया, और आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने उस वारंट पे अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट में अमिताभ रावत की कोर्ट के अंदर स्पेशल जज जो है उनकी कोर्ट में पेश किया। अब अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया तो केजरीवाल के खिलाफ जो पूरे बयान थे, पूरे तथ्य थे, पूरे गवाहों के बयान थे, वो सीबीआई ने पटल पर रख दिए। अदालत ने उन सब पे गौर किया, सबको पढ़ा। ये वो अदालत नहीं थी जो न्याय बिंदु वाली थी। न्याय बिंदु बहुत क्लियर कट बायस्ड डिसीजन था, वो बायस्ड डिसीजन था। देश में बवाल मच गया उस मामले को लेकर, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और आप समझिए कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है, हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। खैर, उसको छोड़ देते हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, हम दोबारा आते हैं। जब अमिताभ रावत ने उस पर पूरी फाइल को पढ़ा तो उनकी जो 5 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी, 3 दिन की रिमांड उन्हें दे दी। अभी सीबीआई दोबारा फिर लेकर आएगी, 3 दिन की जब रिमांड खत्म होगी तो 2 दिन की रिमांड फिर मांगी जाएगी, या 4 दिन की मांगी जाएगी, फिर उसमें से 2 दिन या 3 दिन के लिए फिर से रिमांड दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल पर अब ये जांच है, लेकिन केजरीवाल ने ये सारा कहा क्या इसमें, तिहाड़ जेल के अंदर कल रात को उन्होंने बयान में क्या बोला? उन्होंने बयान में कहा कि देखिए, मुझे इस पूरे घोटाले की जानकारी नहीं है, इस सब की जानकारी मुझे नहीं है, ये तो मनीष सिसोदिया ने किया। अब आप समझिए, किसी सरकार के अंदर ये कोई घर नहीं है, ये कोई लोकल कोई झुग्गी झोंपड़ी का इलाका नहीं है, ये उनकी एनजीओ नहीं है। सरकार के अंदर जब कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है, हम आपको बता देते हैं ये बात, जब कोई भी पॉलिसी सरकार के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, कोई भी नई नीति लाई जाती है, नया नियम लाया जाता है, तो वो बाकायदा कैबिनेट, जो सीएम की जो कैबिनेट होती है, जो मिनिस्टर्स हैं, जीओएम जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, उस कैबिनेट के बीच में वो पॉलिसी रखी जाती है, और वहां पर सीएम उसको हेड करता है, और उस पूरी पॉलिसी पर विचार होता है, और उसको पास किया जाए नहीं किया जाए, ये सारी चीजें ऐसे होती है। तो अरविंद केजरीवाल ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये तो जो भी किया धरा है वो मनीष सिसोदिया कह के याद रहा है।
यहां पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ अरविंद केजरीवाल बहुत बोलते हैं, बच्चों की कसम तक खा जाते हैं वो, उसको छोड़ दीजिए, उनके झूठ पे मत जाइए क्योंकि वो शुरुआत से ही झूठा इंसान है। अब आते हैं कोर्ट के ऊपर। अब आप समझिए कि ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब जमानत रिजेक्ट कर दी, कोर्ट चले गए, ईडी जब निचली अदालत ने दे दी तो ये साहब जो है हाई कोर्ट चले गए, बिल्कुल जाना उनका हक था ईडी का। ईडी को लगा ये बायस्ड फैसला हुआ है, ये फैसला हो ही नहीं सकता, जहां पर जज कहते मुझे इतने पन्नों की इन्वेस्टिगेशन पढ़नी नहीं है, 48 घंटे मांगे, मुझे 48 घंटे देने ही नहीं है, जाइए जमानत छोड़ दिया। ये इस तरीके के फैसलों, ये कोई चोर उचक्को वाला गली मोहल्ले का फैसला नहीं था, ये एक मुख्यमंत्री की साख का सवाल था, दिल्ली की इज्जत का सवाल था और एक व्यक्ति की व्यक्ति विशेष की इज्जत का सवाल था, ऐसा नहीं था यहाँ पर। लेकिन जज ने जिस तरीके का, जज साहिबा ने जिस तरीके का फैसला दिया, आज वो बहुत विवादों में। परंतु आप इससे पहले समझिए, जब 2 जून को अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत के बाद जब वापस तिहाड़ जेल चले गए और उन्होंने उसके अगले दिन यानी के जो 2 जून को उन्होंने फिर एक 2 जून को जब वो गए उसके तुरंत बाद उन्होंने एक अपने हेल्थ को लेकर एक याचिका कोर्ट के अंदर लगाई और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो तब भी तो रिजेक्ट कर दिया था, इतने दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की किसी भी बात पर सुनवाई नहीं हुई और उन्हें जमानत दे दी कोर्ट ने। तो ऐसे जब फैसला विवादित होता है तो वहां पर ईडी को या किसी भी जांच एजेंसी को यह राइट है कि वो अगली जो नेक्स्ट अदालत है उसके अंदर अपील कर सके। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये फैसला जाता, आपने जैसा देखा है कि केजरीवाल एंड कंपनी लगातार इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट अपील करती चली जाती है और उनके सारे मामले नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं और वापस में लटक के नीचे आ जाते हैं। तो ये उनका राइट है। जब ईडी को लगा कि उनके साथ ये गलत हुआ, अन्याय हुआ, तो ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट की बेंच ने अचानक फैसला नहीं दिया, 3 से 4 दिन तक उस फैसले को हेल्ड रखा, उन सारी फाइलों को पढ़ा, उन्हें पढ़ने के बाद उनके एक एक जजमेंट को देखा, एक एक जजमेंट को देखने का एक एक सबूत को, एक एक तथ्य को एनालाइज किया और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका रिजेक्ट की है। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन यहां पर अदालतें ऐसे ही काम नहीं करती हैं, अदालतों में जब पूरा मामला जाता है तो वहां पर, और ये एक से दूसरी अदालत में अपील करने का ये राइट है, ये एजेंसी का भी राइट है, ये एक्यूज का भी राइट है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जो घबरा रहे हैं, सबसे ज्यादा घबरा इसलिए रहे हैं कि अब उनको ये बात पता चल चुकी है, आज जो वो बेहोश होके गिरे अदालत के अंदर, उन्हें दूसरे कमरे के अंदर ले जाएगा चाय बिस्कुट उसी पुलिस को, जिसको वो हमेशा कोसा करते थे पानी पी पी के, उसी पुलिस के लोगों ने उन्हें उठाया, उन्हें चाय पानी पिलाया, उन्हें बिस्किट खिलाया, उन्हें दोबारा नॉर्मल किया, चेकअप कराया, उसके बाद दोबारा पेश किया। वो चक्कर खा के इसलिए गिरे कि ये करप्शन का मामला है और इस करप्शन के मामले में 10 से 12 साल की सजा है। अगर 10 साल की सजा अरविंद केजरीवाल को होती है तो उन पे करप्शन का चार्ज लगेगा, उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। और अगर ये आगे चला 45 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी पर ये साबित हुआ तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। 2025 के अंदर जनवरी में चुनाव है दिल्ली सरकार के अंदर, इससे पहले पहले आम आदमी पार्टी फिनिश हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल ने पूरा मामला अपने साथी मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। देखिए अरविंद केजरीवाल की ये पूरी स्ट्रैटेजी रही है, आप समझिए इस बात को, जो भी नंबर 2 पर जो भी आया उसको कत्ल कर दिया गया, नंबर 2 पर जो आया उसको कत्ल कर दिया गया। किरण बेदी थी उनको सबसे पहले निकाला गया, प्रशांत भूषण थे उनको सबसे पहले निकाला गया, योगेंद्र यादव को निकाला गया, जिन्होंने, योगेंद्र यादव वो शख्स है जिन्होंने आम आदमी पार्टी नाम दिया था इस पार्टी को, उनको निकाला गया, कुमार विश्वास को बाहर कर दिया गया। आप समझिए कि अभी जो आतिशी स्वाति मालीवाल जैसी कद्दावर नेता, उनका कद बढ़ा, उनको कत्ल कर दिया। अरविंद केजरीवाल नंबर 2 पर किसी को भी नहीं चाहेंगे, रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले ही उसको बर्फ में लगा दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को
फिनिश कर दिया है, पॉलिटिकली उनको डेड कर दिया है। उनके सारे लोग, चाहे वो नितिन त्यागी हो लक्ष्मीनगर से एमएलए जो रहे थे पूर्व एमएलए, और चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो प्रकाश आनंद हो, ये सारे लोग सिसोदिया के समय के थे और सिसोदिया के बड़े खासम खासों में गिनती थी। अब इन सबको कत्ल करके राजनीतिक पॉलिटिकली इनको इनका मर्डर कर दिया गया, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल अब जैसी करनी वैसी भरनी की तर्ज पर ये भरेंगे कि अब उन पर करप्शन का मामला है और 10 से 12 साल की सजा उनको होना तय है, यानी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फिनिश हो गई। आप इसमें समझिए कि आज जो बेहोश होने का उनका कारण था वो यही कारण था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की अगर कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ खबरों में शामिल करते हैं, कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।